get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go to the wasteland. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में। और गाइज, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जावा पीरा को। और आज हम जानने वाले हैं कि आपको उस बाइक में क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या इस बाइक का एक्सट्रीम प्राइस अभी चल रहा है। इसके अलावा हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या आपको उस बाइक से माइलेज मिलती है और क्या मिलती है टॉप स्पीड। तो गाइज, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। तो चले गाइज, अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो गाइज, ये रही हमारे सामने जावा पीरा, और यहाँ पर फ्रंट से इस बाइक का लुक कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में राउंड शेप हेलोजन बल्ब हेडलाइट देखने को मिल जाती है, और आपको हेडलाइट के नीचे इस बाइक का हॉर्न जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पर गाइज, जो इस बाइक में लैग गार्ड लगा हुआ है वो इस बाइक का एज अ पार्ट है एसेसरी का। अगर आपको ये वाला पार्ट लगवाना है तो उसका कॉस्ट अराउंड 4500 के आसपास आता है। इसके अलावा गाइज, अगर बात करूं रियर से, तो यहाँ पर आपको उस बाइक के रियर में राउंड शेप एलईडी टेल लाइट देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट और में हैलोजन बल्ब इंडिकेटर जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर बात की जाए सीट के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस बाइक में सिंगल सीट देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का 2,06,000 के आसपास एक्सरूम प्राइस है दिल्ली के अंदर, और ये वाली बाइक आपको ऑन रोड लगभग 2,40,000 के आसपास की पड़ जाती है। और यहाँ पर आपको उस बाइक के साथ कुछ इस तरह की कीज जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, तो आपको उस बाइक में देखने को मिलेगा 334 सीसी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन। और ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 30.6 पीएस की मैक्सिमम पावर और 32.7 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। और यहाँ पर आपको उस बाइक में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा 14 लीटर के इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और यहाँ पर गाइस, अगर बात करूं मैं इस बाइक से मिलने वाली माइलेज की, तो यहाँ आप इस बाइक से 30 से लेके 35 की माइलेज आसानी से गेन कर सकते हो। और गाइस, किसी भी बाइक से माइलेज निकालना आपकी बाइक की राइडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गाइस बाइक को रफली चलाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको माइलेज कम मिलेगी, वहीं गाइस अगर आप बाइक को थोड़ा स्मूथली चलाओगे तो आपको बाइक से काफी बेटर माइलेज जो है देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस, अगर बात करें इस बाइक से मिलने वाली टॉप स्पीड की, तो इस बाइक से आपको 125 प्लस किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर बात करते हैं जावा पीरा के फ्रेम की, तो इस बाइक का जो फ्रेम है वो बिल्ट हुआ है डबल क्रेडल टेबुलर फ्रेम डिजाइन के ऊपर। और यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फॉक सस्पेंशन, और आपको उस बाइक के रियर में देखने को मिल जाते हैं मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन। इसके अलावा अगर बात करें ब्रेक सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में 280 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, और आपको उस बाइक के रियर में 240 mm की डिस्क ब्रेक जो है देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको उस बाइक में ड्यूल चैनल एबीएस एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर देखने को मिलता है, जो कि राइडर की सेफ्टी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। इसके अलावा गाइस, अगर बात की जाए टायर साइज के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में देखने को मिलेगा 18 इंच का टायर साइज, और आपको उस बाइक के रियर में देखने को मिलेगा 17 इंच का टायर साइज। इसके अलावा बात करें टायर विड्थ के बारे में, तो यहाँ पर जो फ्रंट टायर की विड्थ है वो आपको देखने को मिलेगी 100 mm की, और जो बाइक के रियर टायर की विड्थ है वो आपको देखने को मिलेगी 140 mm की। इसके अलावा बात की जाए इस बाइक के कर्व वेट के बारे में, तो इस बाइक का 175 किलो के आसपास का कर्व वेट है, और यहाँ पर इस बाइक का 1485 mm का व्हील बेस है। इसके अलावा गाइस, अगर बात करूं सीट हाइट के बारे में, तो यहाँ पर इस बाइक की 750 mm की सीट हाइट है। और गाइस, आपको ये वाली बाइक कैसी लग रही है ये तो आपको हमें प्लीज कमेंट करके बताना है। और बात करते हैं इस बाइक के कंसोल के बारे में, तो यहाँ पर आपको रेट्रो शेप में कंसोल देखने को मिलता है, और यहाँ पर गाइस आपको इस कंसोल के अंदर स्पीड फ्यूल गेज और किलोमीटर ड्राइविंग जो है वो देखने को मिल जाता है। और गाइस, आपको इस बाइक का कंसोल कैसा लग रहा है ये तो आपको मैं प्लीज कमेंट करके बता रहा। और गाइस, अगर बात करूं इस बाइक के हैंडल बार के ऊपर स्विच की, तो कुछ इस तरह के आपको इस बाइक के हैंडल बार के ऊपर स्विच जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
और यहाँ पर जो आप इस बाइक के टैंक के ऊपर लेदर का टैंक पैड देख रहे हैं वो भी पार्ट है इस बाइक की एक्सेसरी का, उसको भी गाइज आप शोरूम पे जाकर लगवा सकते हैं। और गाइज अगर आपको इस टैंक पैड का एग्जैक्ट प्राइस चेक करना है तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहां पर आप उनको कॉन्टैक्ट करके ये चीज पूछ सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको जावा पिराग का रिव्यू अच्छा लगा होगा। और गाइज अगर आपका इस बाइक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका तभी तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और गाइज ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइज आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।